नमस्कार मेरे YouTube परिवार को, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मेरे चैनल क्रिश प्रॉपर्टीज में आप सबका स्वागत है। एक नई लोकेशन का रिव्यू मैं आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूं दोस्तों। ये लोकेशन है गहना मुक्तेश्वर की। दोस्तों लोकेशन इतनी औसम है, ये चारों तरफ नेचुरल नेचर ही नेचर है और जो प्रॉपर्टी हमारी उसके ठीक फ्रंट से प्यारी सी छोटी सी नदी बहती है जिसमें 12 महीने और 24 घंटे पानी रहता है और पानी भी पहाड़ का प्योर पानी रहता है दोस्तों, जो कि हम पीते हैं पहाड़ों में। तो इसमें मिनरल से भरपूर ये पानी रहता है और सब लोग ने यहाँ से देखिए पाइप गए हैं, कनेक्शन लिया हुआ है। ये पानी कभी कम नहीं होता, बरसातों में थोड़ा बढ़ जाता है ये। और इसके फ्रंट साइड को पूरा आपका फॉरेस्ट मिलेगा, प्यारे प्यारे से बांज और देवदार के पेड़ हैं यहाँ पर। ये देखिए दो तरफ से यहाँ पर पानी आ रहा है। प्रॉपर्टी हमारी इसमें दो कॉटेज हैं बड़े बड़े से और ज़मीन भी है इसमें दोस्तों, करीबन 20 से 25 नाली के आसपास इसमें ज़मीन मिलेगी आपको। ये कॉटेज के अंदर हम जा रहे हैं, ये हॉल का एरिया पूरा रिसेप्शन, और इसमें आप कुछ भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। सामने वॉशरूम है इसके, ये बैठक एरिया है। जब हम ऊपर इसमें जाते हैं देखिए वुडन का कितना शानदार इसमें काम किया हुआ और आयरन स्टील पे पूरा ये बना हुआ है, स्टील में पूरा बना हुआ और वुडन की चारों तरफ से इसमें क्लाइडिंग है, अंदर से पूरा वर्क वुडन का है। इसमें एक बड़ा बेडरूम यहाँ पर है ये देखिए, और सामने ये दूसरा कॉटेज है बड़ा सा, और इसके ठीक पीछे फिर किचन इन्होंने बनाया हुआ है। और सामने देखिए ये रिवर, छोटी सी रिवर जो कि 12 महीने यहाँ पर बहती है, और फ्रंट साइड पूरा जंगल फॉरेस्ट एरिया दोस्तों। ये देखिए कितना शानदार और पीसफुल एरिया है, ये बहुत पीसफुल एरिया है। यहाँ पर आप नेचुरोपैथी से लेकर ऑर्गेनिक से लेकर योगा सेंटर से लेकर कुछ भी आप यहाँ पर रन कर सकते हैं आराम से। और ये नीचे को सीढ़ियाँ देखिए, वुडन का भी कितना इतना शानदार काम हुआ। और एक बेडरूम ये है, उस बेडरूम की अभी चाबी नहीं थी तो ये वाला बेडरूम हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए इसके आसपास का एरिया कितना ही शानदार है ये, और वुडन का काम इसमें दोस्तों बहुत ही शानदार हुआ है। देखिए वेंटिलेशन प्रॉपर है, रोशनी प्रॉपर है, ये एक बेडरूम है इसमें। इसमें अटैच आपको वॉशरूम मिलेगा। ये देखिए काम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, चारों तरफ पूरा नेचर ही नेचर है। अगर आपको पीसफुल एरिया में रहना है, पीसफुल एरिया में आपको प्रॉपर्टी चाहिए या प्रोजेक्ट कुछ करना चाहते हैं तो ये बहुत बेहतरीन एक ऑप्शन मिलेगा आपको। अब हम दूसरे कॉटेज में जाते हैं, इसमें मिक्स किया है इन्होंने, नीचे पूरा मट का जैसा बनाया हुआ एक हॉल इसमें। ये देखिए ये पूरा हॉल जैसा है, इसमें आराम से एक परिवार पूरा आ सकता है, जैसे 4-5-6 लोग आराम से इसमें आ सकते हैं। अटैच वॉशरूम है इसमें, और ये सामने से सीढ़ियाँ गई हैं, ऊपर को किचन है। ये प्रॉपर्टी देखिए, इसमें मड और पत्थरों का बहुत शानदार इसमें कंस्ट्रक्शन किया हुआ, और देखिए दरवाज़ा कितना शानदार इन्होंने बनाया हुआ है। एक बेडरूम इसमें ये है, सामने छोटा बेड आप लगा सकते हो। ये मड का पूरा इसमें काम किया हुआ है दोस्तों, और सामने वॉशरूम, और फिनिशिंग आप देख सकते हैं, मटेरियल की क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी शानदार इन्होंने लगाई है। मट और वुड का बहुत ही शानदार इन्होंने काम किया हुआ है यहाँ पर, हर एक चीज़ में फिनिशिंग आपको नज़र आएगी। प्रॉपर्टी शानदार है दोस्तों, ये आप आए साइट को विज़िट कीजिए, एक बार ज़रूर देखिए साइट को। जो लोग कमर्शियली कुछ करना चाहते हैं आगे के लिए, जैसे अगर आप इसमें रिजॉर्ट रन करना चाहते हैं या होम स्टे रन करना चाहते हैं या छोटे छोटे कॉटेजेस बना के सेल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये वॉशरूम है ऊपर, और ये सामने बेडरूम, और सामने की तरफ को ये नीचे हॉल का मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने की तरफ ये बालकनी है, और बालकनी से भी बेहतरीन नज़ारा मिलेगा। ईस्ट फेसिंग ये पूरी प्रॉपर्टी है, वो केयर टेकर वहाँ पर रहते हैं इनके। ये देखिए सामने पूरा फॉरेस्ट, और पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है यहाँ पर। पहाड़ों में अमूमन पानी की कमी रहती है, लेकिन यहाँ पर 24 घंटे आपको ये पानी मिलेगा, और शुद्ध पानी बिल्कुल। एनवायरनमेंट बहुत ही यहाँ का प्योर है दोस्तों, प्रॉपर स्नोफॉल होती है यहाँ पर, धूप अच्छी आती है,
आसपास आप पूरा प्लांटेशन आप देख सकते हैं, और यहाँ पे प्लांटेशन का भी आप काम कर सकते हैं। सेब हो गया, आड़ू हो गए, प्लम हो गए, तो खेती आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। और लोकेशन बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, ये बहुत शानदार लोकेशन है। आप लोकेशन पे एक बार ज़रूर आएँ, देखिए लोकेशन को। यहाँ पर मैं अपना नंबर मेंशन कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, या आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग एक अच्छा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं पहाड़ों में, शांत इलाकों में, उनके लिए बहुत बेहतरीन ये ऑप्शन है दोस्तों, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। बनी बनाई चीज़ देखिए, पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन टाइम लेता है बहुत, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नेचुरल क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ पर चलती हैं। कभी बर्फ़ होती तब काम नहीं हो पाता, कभी बरसात में यहाँ पर काम नहीं हो पाता, कभी हमें लेबर उस हिसाब से नहीं मिल पाते हैं, तो बड़ा कठिन है यहाँ पर काम करना पहाड़ों में, कंस्ट्रक्शन करना स्पेशली। तो बनी बनाई प्रॉपर्टी जो भी मिलती हैं कॉस्टली तो ज़रूर होंगी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होती है दोस्तों। बनी बनाई आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है, आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ आपको उसको रन करना होता है। दैट्स ऑल। ऊपर की तरफ देखिए कितना अच्छा, ये किचन का हिस्सा है, ये किचन है पूरा देखिए। और पीछे की तरफ को पूरा प्यारे प्यारे से गार्डन है, प्लांटेशन है, मिर्च, शिमला मिर्च के पेड़ लगे हुए थे अभी यहाँ पर। फ्रूट्स तो सब अब ख़त्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ऊपर भी इसमें कंस्ट्रक्शन है पूरा, ऊपर दो कॉटेज बने हुए हैं प्यारे प्यारे से, छोटे छोटे। और ये आसपास का लोकेशन है दोस्तों, देखिए ये देखिए कितनी शानदार ये जगह है, और वो सामने का व्यू। तो मुक्तेश्वर महादेव जी के मंदिर से आप यहाँ से इवन पैदल मुक्तेश्वर महादेव जी के मंदिर जा सकते हैं। अगर आप लिट्टीबुंगा से इसका डिस्टेंस देखेंगे तो 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस इसका रहेगा मेन हाईवे लिट्टीबुंगा से, और मेन रोड से ये हार्डली 200 मीटर अंदर जाकर है। ये रोड आगे जाके फिर अल्मोड़ा जाती है।